स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया जा चुका है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस की रोकथाम और उपचार को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है। वहीं जहां गाजियाबाद के बाजार तुराब नगर में हर रोज खरीदारों का हुजूम देखने को मिलता है, आज वो बाजार एकदम सूना पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि बाजार में तकरीबन 460 दुकानें हैं जिसमें हजारों हेल्पर काम करते हैं और हर रोज हजारों खरीदार यहां खरीदारी करने आते हैं। बाजार बंद होने की वजह से दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और साथ ही दुकान में काम करने वालों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। साफ तौर से कोरोना वायरस का असर आप देख सकते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद की तुराब नगर मार्केट में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी मार्केट को बंद कर दिया गया है। जो कोरोना वायरस का असर है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है। ये तुराब नगर की वो मार्केट है जहां पर लोगों का हजूम 24 घंटे लगा रहता है, खरीदारों का हजूम लगा रहता है, हज़ारों की संख्या में यहाँ ग्राहक आते हैं। कुछ व्यापारी हैं हमारे साथ, इनसे आइए व्यापारी से बात करते हैं। सर, कोरोना वायरस की वजह से मार्केट बंद की गई है। जी जी, कितना आप इसको मानते हैं? ये 3 दिन तक बंद है जी, मंडे तक, बुधवार में खुलेगी। कितने व्यापारी हैं इस मार्केट में? इस मार्केट में 460 दुकानें हैं पूरी। कितना नुकसान मानते हैं आप जो मार्केट में व्यापार बंद? 2 करोड़ का पर डे का नुकसान। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील भी की है कि 22 तारीख को घर से ना निकले, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में देखो, ठीक है, उन्होंने जो अपील की है ये ठीक भी है। अब मार्केट में सब तरह के लोग आते हैं, अब किसी को क्या पता क्या है क्या नहीं। बाहर से भी आते हैं, नवेडे से भी आते हैं इस मार्केट में, मतलब आसपास के जो भी क्षेत्र हैं सभी कहीं से कस्टमर आता है। तुराब नगर ये मानी ही मार्केट है लेडीज़ों की, और अच्छा कस्टमर आता है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ भाड़। और भी लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरी मार्केट आज बंद की गई है तुराब नगर की, कितना इसको आप देखते हैं, कितना इसको नुकसान तो है व्यापारी को, मगर जिंदगी के लिए ये सब जरूरी भी है। अब यह है कि कल के लिए बोला गया था, अटेंडम हुआ, ये गलत है। लोगों से बात की, हमने कहना है कि कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है उसमें भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जो तुराब नगर मार्केट है जहाँ पर हजारों ग्राहक रहते हैं, वहाँ पूरी मार्केट सूनी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं व्यापार पे भी इसका फर्क पड़ेगा। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद।